विनोद खन्ना की सबसे पहली फिल्म 1969 को आई थी, जिसका नाम था मन का मीत, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। और उसके बाद 1969 को विनोद खन्ना की आई थी नतीजा फिल्म, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। और उसके बाद विनोद खन्ना की 1970 में फिल्म आई थी सच्चा झूठा फिल्म, जिसमें विनोद खन्ना के साथ हमें राजेश खन्ना और मुमताज नजर आई, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। और उसी साल एक और फिल्म आती है विनोद खन्ना की, आन मिलो सजना फिल्म, जिसमें विनोद खन्ना के साथ हमें राजेश खन्ना नजर आते हैं, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित होती है। और उसी साल 1970 में विनोद खन्ना की आती है मस्ताना फिल्म, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होती है। 1970 के आखिरी में विनोद खन्ना की आती है पूर्व और पश्चिम फिल्म, जिसमें हमें विनोद खन्ना के साथ अशोक कुमार नजर आते हैं, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित होती है। और उसके अगले साल 1971 में विनोद खन्ना की आती है मेरा गांव मेरा देश फिल्म, जिसमें विनोद खन्ना के साथ हमें धर्मेंद्र जी नजर आते हैं, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित होती है। और उसी साल एक और फिल्म आती है रेशमा और शेरा, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित होती है। और उसी साल विनोद खन्ना की एक और फिल्म आती है मेरे अपने फिल्म, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अबो एवरेज साबित होती है। और उसी साल 1971 में विनोद खन्ना की आती है ऐलान फिल्म, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होती है। और उसी साल 1971 में विनोद खन्ना की आती है रखवाला फिल्म, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित होती है। और उसी साल 1971 में विनोद खन्ना की एक और फिल्म आती है हंगामा, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित होती है। और उसी साल 1971 में विनोद खन्ना की एक और फिल्म आती है, उसका नाम होता है प्रीतम, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित होती है। और उसी साल 1971 में विनोद खन्ना की आती है जाने अनजाने फिल्म, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित होती है। और उसी साल 1971 में विनोद खन्ना की आती है हम तुम और वो, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होती है। और उसके बाद 1971 के आखिरी में विनोद खन्ना की आती है मैम साहब फिल्म, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित होती है। और उसके बाद 1972 में विनोद खन्ना की आती है परिचय फिल्म, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होती है। और उसी साल एक और फिल्म आती है दो यार फिल्म, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित होती है। और उसी साल विनोद खन्ना की आती है एक बेचारा फिल्म, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित होती है। और उसी साल 1972 में विनोद खन्ना की आती है एक हसीना दो दीवाने, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होती है। और उसी साल विनोद खन्ना की आती है एक खिलाड़ी 52 पत्ते फिल्म, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित होती है। 1972 के आखिर में विनोद खन्ना की आती है परछाइयां फिल्म, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित होती है। और उसके अगले साल 1973 में विनोद खन्ना की आती है कच्चे धागे फिल्म, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होती है। और उसी साल एक और फिल्म आती है विनोद खन्ना की अचानक फिल्म, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होती है। और फिर से उसी साल विनोद खन्ना की आती है अनोखी अदा फिल्म, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होती है। और उसी साल 1973 में विनोद खन्ना की आती है धमकी फिल्म, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होती है। और उसी साल विनोद खन्ना की आती है गदार फिल्म, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होती है। और उसी साल 1973 में विनोद खन्ना की आती है पांच दुश्मन फिल्म, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित होती है। और उसी साल के आखिरी में विनोद खन्ना की आती है प्यार का रिश्ता फिल्म, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित होती है। और उसके अगले साल 1974 में विनोद खन्ना की आती है आरोप फिल्म, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित होती है। उसी साल 1974 में विनोद खन्ना की आती है हाथ की सफाई फिल्म, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित होती है। उसी साल 1974 में विनोद खन्ना की आती है इम्तिहान फिल्म, जिसमें विनोद खन्ना के साथ हमें तनुजा और बिंदु नजर आती है, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होती है। उसी साल 1974 में विनोद खन्ना की आती है पत्थर और फाइल फिल्म, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित होती है। और उसी साल 1974 में विनोद खन्ना की आती है चौकीदार फिल्म, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होती है। और उसी साल 1974 में विनोद खन्ना की आती है फरेबी फिल्म, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होती है। उसके बाद अगले साल 1975 में विनोद खन्ना की आती है जमीर फिल्म, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होती है। और उसी साल विनोद खन्ना की आती है कायद फिल्म, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होती है। और उसी साल 1975 में विनोद खन्ना की आती है प्रेम कहानी फिल्म, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित होती है। 1975 के लास्ट में विनोद खन्ना की आती है सेवक फिल्म, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित होती है। और अगले साल 1976 में विनोद खन्ना की आती है हेरा फेरी फिल्म, जिसमें विनोद खन्ना के साथ हमें अमिताभ बच्चन नजर आते हैं, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होती है। और उसी साल आती है लगान फिल्म, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित होती है। और उसी साल आती है नेहले पे देहला फिल्म, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज साबित होती है। और उसी साल आती है शंकर शंभू फिल्म, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होती है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाएंगे, अगर इसका नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए तो कमेंट में बता देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।